ओके, हम लोग अभी पेशेंट है, उनको टैटू है, परमानेंट टैटू ये वाला। सो पेशेंट ने 7 साइकिल लेज़र का ले लिया है, और लेज़र के साइकिल लेने के बाद में अब वो इसको कम्प्लीटली रिमूवल लिया है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि जो भी पेशेंट लेज़र के लिए जाता है तो उनको डॉक्टर से पहले एक्चुअली कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कितना है गारंटी है कि लेज़र सही है चल जाएगा। सो पेशेंट ने हम लोग यहाँ पे 7 साइकिल लेज़र का ले लिया है, और लेज़र से लेने के बाद में ये ऐसा होता है, कम्प्लीटली रिमूवल लेज़र, कम्प्लीट रिमूवल लेज़र से कभी भी नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको सर्जरी से कैसे निकालेंगे। सो हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग इसको अगर निकालेंगे तो ये क्लोज विदाउट टेंशन होना चाहिए। तो अगर ये विदाउट टेंशन फर्स्ट सेटिंग में क्लोज हो गया तो हम लोग ये फर्स्ट सेटिंग के अंदर ही पूरा निकाल देंगे, जैसे कि ये वाला। लेकिन अगर ये टेंशन में क्लोज हुआ तो फिर हम लोगों को एक सेकेंड सेटिंग भी लगेगी। सो अभी हम लोग इसको एक्सीजन करेंगे अंडर लोकल एनेस्थीसिया। ओके, सो हम लोग ने मार्किंग कर लिया है, तो हम लोग ये इतना हिस्सा निकाल लेंगे एक साथ, क्योंकि अगर ये विदाउट टेंशन क्लोज हो जाएगा सो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन सीधी सी रहेगी, और साथ ही में हम लोग ये वाला भी निकालेंगे। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टैटू एक साथ निकाल दिया है। अभी ये जो है इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, सो जो टैटू इतना बड़ा था यहाँ पे उसी जगह पे एक थिन लाइन हो जाएगी जब ये पूरा हील हो जाएगा, हीलिंग के बाद में मतलब 15-20 दिन के बाद में, तो यहाँ पे एक जस्ट पतली सी थिन लाइन रहेगी। ये टैटू हमने अभी नहीं निकाला है, क्योंकि ये भी निकाल देते तो फिर ये क्लोज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा टाइट क्लोज हुआ है। ये भी निकाल देते तो क्लोजिंग में प्रॉब्लम होती और स्कारिंग में प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जस्ट ये वाला निकाला है, ये वाला भी छोड़ दिया।